नमस्कार नमस्कार अंजन मेरे साथियों, आप हैं श्री डीएसपी संतोष कुमार पटेल जी हैं और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे इनके इनकी जो कार्य प्रणाली है, मैं समझता हूं कि हमारे देश में सबसे अच्छी है। एक तो मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि सर कुछ ट्रैफिक, हमारे जो ट्रैफिक सेंस है, लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है लोग, और ख़ास करके छोटे शहरों में। सर सर भी आप भी पन्ना में हैं तो देखते हैं पन्ना वगैरह का ट्रैफिक उतना ज़्यादा, हेलमेट यूज़ नहीं करते लोग, तो उसके लिए कुछ दो लाइन कहना चाहेंगे सर? पहले तो सभी को अपनी सुरक्षा के लिए हम नियमों का पालन करें, कभी ये ना सोचे कि पुलिस से डर के लिए। हम भी जब पढ़ते थे तब हमें ये नहीं एहसास होता था कि ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बात कर रही है। हम तो पुलिस को देख लेते थे तो किनारे से निकल जाते थे, फिर हंसते थे कि आज हमें इन्हें बेवकूफ़ बना दिया। ये कहीं ना कहीं हम अपनी लिए रिस्क उठाते थे। आपने बात की तो दो, मैं आपको थोड़ा सा वो ऐसी चीज़ें सुनाता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। कि लोगों की कल्पना है कि पुलिस ऐसी चाहिए जैसे सीधा साधा इंसान, पुलिस ऐसी चाहिए जैसे सीधा साधा इंसान और प्रेम से बात करे ना काटे चालान। और पुलिस क्या चाहती है कि जनता ऐसी चाहिए जो दानवीर कर्ण कहलाए और 300 की जगह 600 का चालान कटाए। विवेकानंद जैसे लोग ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बार बार फोर्स करना पड़ता है कि भाई तुम नियम का उल्लंघन किए हो, चालान कटाओ। ऐसे लोग मिलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सर, और बहुत से लोग जो हैं, अगर हम प्रेम की भाषा से भी, बहुत लोगों का चालान करवाते हैं और लोग ये गलती महसूस करते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करते उस गलती को। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि सर की बात को भी मानिए और लगातार जो है ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर का भी फेसबुक पेज है, आपने देखा ही होगा। तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस यही कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और जब भी टू व्हीलर में चलें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और पीछे बैठे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद।